वॉल्यूम दैट वाज नोन एज द सीपी, और दूसरा क्या था बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी। ये बेटा सीपी था। और आपको आपको ये भी बताया था बेटा सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, या रिलेशनशिप बेटा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये आपको याद है कि नहीं, बोलो बेटा। आइए बेटा आज अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा इसे डिनोट करते हैं बेटा ओके बेटा। अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। किसी बेटा सिस्टम में वह मैक्सिमम एनर्जी जो बेटा यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल हो फ्री एनर्जी कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम अवेलेबल बेटा, अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क इज नोन गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो गिब्स, किसी बेटा सिस्टम में कोई भी जो यूजफुल वर्क होता है उसे करने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है दैट इज नोन एज द गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी बेटा होती है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये बेटा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी टी बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस क्या है बेटा एंट्रोपी, ये बेटा गिब्स फ्री एनर्जी है। अब ध्यान से सुनना बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। अब बेटा किस कोई सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम बेटा ये उसकी मैं एनर्जी बता रहा हूँ, कौन सी एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब बेटा आपको पता होगा कि एंथैल्पी, एंथैल्पी पढ़ चुका है बेटा, एंथैल्पी क्या है बताओ, एंथैल्पी आपको याद होगा बेटा, ये डेल्टा ये चेंज इन एंथैल्पी बताया था बेटा, यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, आपको याद होगा बेटा। एंथैल्पी क्या है बेटा, चेंज इन एंथैल्पी है चेंज इन एंथैल्पी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये बेटा जो गिब्स फ्री एनर्जी है एंथैल्पी से बेटा क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट करने पर कौन टी एस मीन्स टेम्परेचर एंड एंट्रोपी जो वैल्यू आती है बेटा दैट इज नोन एज द गिब्स फ्री एनर्जी। ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। अब बेटा अगर मैं दिखाना चाहूँ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, हम कोई यूजफुल वर्क कर रहे हैं बेटा, अब गिब्स फ्री में एनर्जी में जो चेंजिंग आ रही है बेटा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। ये बताओ बेटा इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, बोलो बेटा बोर्ड बेटा एकदम क्लियर विजिबल है कि नहीं, एक बार बता दो, चमक रहा है। हाँ चमक रहा है, एक मिनट बेटा हम एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मिनट बेटा बस हम एक बार बेटा लाइट ऑफ करके देखते हैं। अब बताओ सही है अभी भी गड़बड़ है,
गिफ्ट ट्रेनर बेटा, कोई भी सिस्टम है बेटा, उस सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी हो, जो बेटा यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल हो, वही एनर्जी कहलाती बेटा गिफ्ट फ्री एनर्जी। मान लीजिए बेटा कि हमारे एनर्जी चाहिए, अब बेटा अगर हम बोलने का काम कर रहे हैं, इस वर्क करने के लिए बेटा हमारे साथ जो अवेलेबल एनर्जी है दैट इज नोन एज द गिफ्ट फ्री एनर्जी। और गिफ्ट फ्री एनर्जी बेटा क्या होती है, ये चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी जानते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब बेटा इंटरनल एनर्जी से टीएफ को अगर हम डिडक्ट करेंगे, जो एनर्जी है बेटा वो क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी। ये टीएस क्या है बेटा, ये बेटा यस आपका क्या है, चेंज इन, हाँ चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, गलत लिखा हूं, चेंज इन बेटा चेंज इन एंट्रोपी है, गलत, यस मीन एंट्रोपी। तो ये बेटा चेंज इन एंट्रोपी है, सॉरी चेंज कहां लिख रहा हूं, ये एंट्रोपी थी, अब बेटा हम चेंज पढ़ रहे, चेंज करेंगे तो ये डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा और ये क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमें इस किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए बेटा यूज किया जाता है। आप जैसे बेटा हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, देखिएगा वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसको बेटा एक्सप्लेन करने के लिए गिफ्ट फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे देखिए, बारिश की बूंदें बेटा फ्रीली क्या करती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं, ये बेटा क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द प्रोसेस विच हैज द प्रोसेस विच हैव नेचुरल टेंडेंसी टू टेक प्लेस विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई ऐसा प्रोसेस बेटा जो अपने आप होता हो, जिसको अपने आप होने की टेंडेंसी बेटा किसी बाहर बाहरी एजेंसी की जरूरत ना पड़े, वो बेटा कहलाती है क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे बेटा देखिए बारिश की बेटा वाटर, अगर पानी बेटा हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है अब लेकिन बिल्डिंग्स बेटा अगर हमें पानी ऊपर चढ़ाना हो तो हम मोटर की हेल्प लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी है वो मोटर। तो अब बेटा अगर मोटर से पानी ऊपर चढ़ा रहे तो वो कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बेटा अगर वाटर फ्रीली गिर रहा है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, बोल दी गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। बेटा पहले ये बताओ आवाज क्लियर जा रही है, सर एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर दीजिए। ओके बेटा हम फिर से डेफिनेशन समझा रहे बेटा। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ध्यान सुनना बेटा, गिब्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया बेटा। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी बेटा कोई सिस्टम है, जैसे हम ही बेटा आपको बताते हैं सिस्टम क्या है बेटा, यूनिवर्स का वह बेटा पार्ट जो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन के लिए स्टडी के लिए आप ले रहे हो वह सिस्टम है। अब बेटा किसी सिस्टम के साथ बेटा जो एसोसिएटेड एनर्जी है, अब बेटा हम में तो ऐसे ही ढेर सारी एनर्जी हो सकती है बेटा, लेकिन मेरी पूरी एनर्जी नहीं बेटा, वह एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए बेटा अवेलेबल हो वह है क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। मान लो ये समझो बेटा आपकी टोटल एनर्जी से मुझे मतलब नहीं है, आपके अंदर वह एनर्जी जो किसी भी यूजफुल वर्क करने के लिए बेटा अवेलेबल है, आप बताओ किसी सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ यूजफुल वर्क करने के लिए उसके पास जो बेटा एनर्जी अवेलेबल है वह है गिव्स फ्री एनर्जी। बेटा क्लियर हुआ, ध्यान से सुनो बेटा, जैसे हम बताते किसी भी सिस्टम के साथ बेटा
उसके साथ जो जो भी एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। ध्यान से सुनना बेटा, हमारे अंदर जो भी एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, वो हमारी एनर्जी कौन सी एनर्जी है बेटा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है बेटा। अच्छा, अगर हम कोई काम करते हैं तो बेटा क्या उस काम में अपना पूरी पूरी एनर्जी लगा देते हैं? नो सर। बेटा आप अपनी पूरी एफिशिएंसी काम तो करते हो, लेकिन जब वो वर्क कंप्लीट होता है क्या कहते हो आपके पास एकदम एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म हो गई है? बताओ बेटा, बोलो बोलो बेटा। हेलो। यस सर। जब बेटा हम वर्क करते हैं कि हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है वर्क करने के बाद में, जैसे हम आप पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, क्या जब ये स्टडी हमारी कंप्लीट होगी हमारी एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है, ये बताओ, हाँ या ना? नो सर। यस यस या नो? नो सर। बताओ बेटा। नो सर। नो। हमारी टोटल एनर्जी बेटा खर्च नहीं, खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद भी आप अगली क्लास ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, लोगे कि नहीं लोगे? यस सर। मतलब बेटा ये जो केमिस्ट्री की क्लास है इसको लेने में हेलो चलो yes, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? yes, क्लियर हो बेटा डिफिनेशन? यस सर। इस पोटेंशियल प्रोसेस बता दीजिए। हाँ बेटा, अब स्पॉन्टेनिटी, ये बेटा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन के लिए बेटा। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम बेटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें ये स्टडी करना बेटा ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेटा कुछ भी आप रिएक्टेंट मिलाओगे तो उम्मीद करोगे सर ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए बेटा स्पॉन्टेनिटी का टर्म दिया गया बेटा, कि हमारी जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है, स्पॉन्टेनिटी या फिजिबल है कि नहीं, वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बेटा स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी रिएक्शन समझो बेटा, ये स्पॉन्टेनियस बेटा वह है जो जिसके पास बेटा एक नेचुरल टेंडेंसी है बेटा, हम कोई हेल्प नहीं कर रहे बेटा, उसकी अपना नेचुरल टेंडेंसी वो प्रोसेस होगा। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी बेटा नेचुरल प्रोसेस है सब स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होते हैं बेटा, हमें उसे करने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं। जैसे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो जो भी प्रोसेस बेटा अपने आप हो रहे हैं वो सब स्पॉन्टेनियस है, या अब कह सकते बेटा जितने नेचुरल प्रोसेस सब स्पॉन्टेनियस है। जैसे बेटा अगर पानी आप गिराओगे या वाटर, हमेशा बेटा हायर टू लोअर बेटा वाटरफॉल जो होता है हमेशा हायर से लोअर होता है कि नहीं होता, ऊंचाई से बेटा नीचे की ओर गिरता है। लेकिन अगर वाटर बेटा हम क्या करना चाहें, नीचे से ऊपर चढ़ाना चाहे बेटा, आप यहाँ छत पे जो टंकियां है बेटा उनमें जो पानी चढ़ाया जाता है तो क्या अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा? करते नहीं करते हैं? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, जब टंकी में पानी चढ़ाना तो हम मोटर यूज करते कि नहीं करते हैं? तो yes, अब बेटा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं बेटा, हम एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ले रहे हैं, तो हम बेटा रिएक्शन वही करना चाहेंगे बेटा स्पॉन्टेनिटी के लिए। रिएक्शन बताया गया बेटा चेंज इन, अब देखो बेटा मान लीजिए हम ले रहे हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा उसके लिए बेटा डेल्टा जी की वैल्यू देखी जाती है। जी क्या है अभी बताया बेटा? डेल्टा जी है। डेल्टा जी क्या है आप मुझे ये बताओ, क्या है बेटा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है बेटा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ बेटा, अब ये गिब्स ने दिया था और अब बेटा चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या थी बेटा?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, हाँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो ये आप पढ़ चुके हो कि नहीं, टर्म पढ़ चुके हो, ये टर्म आपकी क्या है बेटा, एंथैल्पी है कि नहीं है, आप याद करो बेटा, हम क्लास में एंथैल्पी आपको पढ़ा चुके हैं, याद करो यस बेटा, एंथैल्पी पढ़ाए थे कि बीकर है ये बेटा, वाटर अगर करते तो इसकी इंटरनल एनर्जी है प्लस वॉल्यूम बढ़ता है यू प्लस पीवी, ये बेटा एंथैल्पी होती है, तो हम करें गिब्स फ्री एनर्जी होती बेटा चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एस क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब बेटा अगर किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये बता रहे हैं फॉर द स्पॉन्टेनिटी, फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये जो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू है ये निगेटिव आनी चाहिए, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। सर थोड़ा इंक दे दीजिए प्लीज सर, नहीं यहाँ से लाइव हो। हेलो बोलो बेटा, हेलो यस अभी ये समझना नहीं बेटा, ये समझना अगर कभी भी रिएक्शन हो बेटा वहां डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव रहेगी तो आप बता देना रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर बेटा डेल्टा जी की वैल्यू आपका अगर पॉजिटिव आ जाए तो बोल देना बेटा इस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जब भी डेल्टा जी की वैल्यू आए बेटा निगेटिव आए तो रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए बेटा पॉजिटिव ये हो गया गया नॉन स्पॉन्टेनियस। थैंक यू सर, बताओ बेटा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। यस अच्छा जी उसे तोड़ा लियो, अरे तुम्हें कुछ हो गया आपकी कॉपी। हेलो यस सर एक मिनट बेटा, सर आए मोबाइल गिर गई, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा, किसी सिस्टम में यूजफुल वर्क करने के लिए बेटा जो अवेलेबल एनर्जी दैट इज नोन एज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बेटा निकलती कैसे है, एच माइनस टी एस से, या चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस पे बेटा अब स्पॉन्टेनिटी के लिए बेटा फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी क्या होनी चाहिए, निगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ जाएगी तो आप बताओगे रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ इतनी बात क्लियर होगी, हम आगे बढ़े बेटा। यस सर ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, ये कभी भी क्लास पढ़ोगे इलेवंथ नहीं बेटा ट्वेल्थ या हायर एजुकेशन हमेशा बेटा ये यूज होगा गिब्स फ्री एनर्जी, ये आप जानते रहना बस, इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। अब बेटा स्पॉन्टेनिटी के लिए देखिए आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है बेटा, एक आपका एच है और दूसरा बेटा आपका क्या है एस है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है। अब आइए देखते हैं बेटा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया क्या हुई बेटा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव। अब हम आगे ले रहे हैं बेटा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बेटा देख रहे हैं कि डेल्टा एच बेटा निगेटिव ले रहे हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू निगेटिव, और बेटा चेंज इन एस एंट्रोपी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये वैल्यू ले रहे हैं। अब देखो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, आप समझो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या रख रहा हूं बेटा निगेटिव, ये निगेटिव है बेटा, ये यहां पे वैल्यू क्या रख रहा हूं बेटा निगेटिव टी, डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ रही बेटा पॉजिटिव, या पूरा टी डेल्टा एस लिख देता हूं, ये बेटा टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, तो बेटा निगेटिव पॉजिटिव मिलके वैल्यू क्या आएगी बोलो,
माइनस, ये माइनस हो जाएगी। अब बेटा मान लो एक एग्जांपल समझो बेटा, ये वैल्यू अगर माइनस फाइव है और ये वैल्यू बेटा प्लस टेन है, इमेजिन करके चलो ये माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस टेन होगा कि नहीं होगा, ओवरऑल बेटा वैल्यू क्या आएगी, माइनस फिफ्टीन आएगी या प्लस फिफ्टीन ही होगा? माइनस फिफ्टीन। बहुत अच्छे बेटा, तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ये बेटा सब लोग समझे कि नहीं समझे, इज इक्वल टू निगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू बेटा निगेटिव आ गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू निगेटिव आई कि नहीं आई? अब बेटा आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हम जो बता रहे बेटा, अब बातें आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी दो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों वेरिएबल्स क्या है? एक वेरिएबल बेटा एच है और दूसरा वेरिएबल एस है। तो अब कह रहा है बेटा कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी? अब आपको बेटा केस सेकंड बता रहा हूं, आप ये देखो तो समझ में आएगा। केस सेकंड हम ये कह रहे हैं बेटा, केस सेकंड में बेटा डेल्टा एच हम इस बार क्या कर दें, पॉजिटिव। ये सुनो, और बेटा ये जो दूसरा वेरिएबल है डेल्टा एस, ये क्या कर दिया जाए, नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव ही रहने देते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। ये तो दोनों केस में पॉजिटिव है, इसको हम पहले वैरी करवाए, फिर दूसरे केस में बेटा इसको वैरी करवाएंगे, ये कांस्टेंट कर देंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आनी डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटा कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एस की, बेटा टी इंटू डेल्टा एस, चलो टी इंटू डेल्टा एस, ये जो वैल्यू होगी बेटा ये क्या होगी, पॉजिटिव बोलो। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो? एस की नेगेटिव आएगी। हाँ बेटा, ये अब ये डिपेंड करेगा बेटा वैल्यू कितनी है। मैं कह दूं कि अगर ये माइनस फाइव है, सॉरी प्लस फाइव है और ये माइनस टेन है, अब वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस फाइव आएगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं बेटा कि पॉजिटिव वाला प्लस टेन हो और नेगेटिव वाला माइनस फाइव, तब वैल्यू क्या आएगी, प्लस फाइव बेटा। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें वैल्यू क्या लानी है बेटा, प्लस एच, नहीं नहीं नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए माइनस होता है, माइनस का वैल्यू स्पॉन्टेनियस में क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर। इस रिएक्शन में माइनस कब आएगा, क्या ज्यादा हो, यस ज्यादा हो कि टी डेल्टा यस ज्यादा हो, एच नहीं बेटा, एच अगर ज्यादा कर दोगे तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। देखो यहाँ यस ज्यादा किया हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यस कम रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ रही है बेटा? यस सर, एस को नेगेटिव होना चाहिए। हाँ बेटा, मतलब यस की, ये कह रहा है बेटा अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कर रहा है तो कह रहा है कि फॉर, यहाँ पे बेटा फॉर स्पॉन्टेनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, ये बेटा क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम? कम होनी चाहिए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यही समझा है बेटा, अगर टी डेल्टा यस माइनस 10 हो जाए और ये 5 हो जाए तो वैल्यू माइनस 5 आएगी, तो टी डेल्टा यस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? देन यस सर। अब आपको दूसरी केस समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर डेल्टा, दूसरी केस ही करो बेटा, डेल्टा यस इज इक्वल टू डेल्टा यस माइनस टी डेल्टा यस में अगर बेटा हमें निगेटिव लानी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी
ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। इसको लिख लेना बेटा, व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर। एक बार बताओ बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। डाउट में दिख रहे बेटा आप लोग? बोर्ड पे बेटा क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप बताओ? यस सर। और लोग बताओ बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो बेटा हम और यस सर आ रहा है करने। तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। नहीं आप लोग बेटा इतनी एनर्जी के साथ यस सर नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है डाउट में हो। डाउट में मैं फिर से क्लियर करूंगा, ये बताओ ऑनेस्टली बताओ, बोलो सर। समझ में आ गया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा? किसी सिस्टम के पास बेटा वह एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल है वह गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी बेटा कैसे दी जाती है? एच माइनस टी एस से, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दी जाएगी बेटा चेंज इन एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एच डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के डेल्टा एस। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? माइनस निगेटिव आनी चाहिए। अब हम करें कि अगर एच निगेटिव हो, एच निगेटिव का मतलब जानते हो रिएक्शन कैसे हो बेटा? डेल्टा एच की वैल्यू अगर डेल्टा एच अगर निगेटिव हो तो उसको कैसा रिएक्शन करते हैं? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब बेटा रैंडमनेस सिस्टम का क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। डेल्टा एस क्या है बेटा? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। मतलब बेटा डिसऑर्डरनेस उसमें क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। याद है कि नहीं याद आया? यस सर। रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, ध्यान से सुनना बेटा, रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है और बेटा उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। मान लो बेटा, तो अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो तुम्हारा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। कोई तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उस केमिकल रिएक्शन बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी बेटा? अगर हमारे पास 10 कैलोरी एनर्जी है, घट के बेटा मेरे पास 8 किलो एनर्जी बचे, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। तो जब सिस्टम की एनर्जी घट रही है बेटा, तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ये बात समझे या नहीं समझे? यस सर। यस। और ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। हाँ बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हम उस रिएक्शन में टेम्परेचर दे रहे हैं और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। हम बेटा टेम्परेचर दे रहे हैं और उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए बेटा एंट्रोपी में चेंजिंग ज्यादा होनी चाहिए। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। आप जितनी एनर्जी दे रहे हो बेटा उससे ज्यादा क्या होनी चाहिए? चेंज इन एंट्रोपी। बात समझे कि नहीं समझे? एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड कम है, एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। क्लियर हुआ दो केस? यस सर। कितने लोग? बहुत कम लोग जुड़े हैं क्या क्लास में? यस सर। अभी तक दोनों केस में बेटा आपका एस क्या था? पॉजिटिव था। अब केस थर्ड ले रहे हैं बेटा। केस थर्ड में बेटा डेल्टा एच हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव। और बेटा डेल्टा एस क्या हो? निगेटिव। केस थर्ड। अभी तक बेटा एंट्रोपी बढ़ रही थी और यहां पे एंट्रोपी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है। आप कैलकुलेट करके बताओ बेटा इसमें क्या होगा रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस?
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा यस। इसकी वैल्यू बेटा क्या आई, पॉजिटिव माइनस, ये वैल्यू बेटा क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी यहाँ पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत अच्छे बेटा, मतलब आपके समझ में आ गया, मतलब रिएक्शन अपने आप अब नहीं होगा बेटा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है बेटा, यह रिएक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। बेटा कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। यस सर। हम अब तो बेटा तीन केसेस पढ़े, पहले केस में बेटा क्या था, डेल्टा एस क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव यस पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या था बेटा, स्पॉन्टेनियस ना। अब जब बेटा डेल्टा एस क्या हुआ, पॉजिटिव और यस पॉजिटिव रहा, उसमें टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। दूसरा तीसरा केस बेटा, अगर ये हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव और ये क्या हो, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन है, तुम उसको बेटा एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो बेटा, पॉजिटिव मतलब कैसा, एंडोथर्मिक है कि नहीं है। यस सर। अगर किसी भी रिएक्शन को बेटा तुम हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो क्या उसका रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। घटेगा। अगर कैसे घटेगा, अगर तुम बेटा आइस रखे हो मेल्ट करने के लिए, तुम उसको टेम्परेचर दोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो ऐसा बेटा देखो थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है ना, हम किसी रिएक्शन को एनर्जी दें और उसका रैंडमनेस घटे, ऐसा पॉसिबल है? क्लास में समझाया था बेटा, जब आपको हीट दिया जाएगा तो आप भागोगे कि नहीं, दूर जाओगे? यस यस सर। जब दूर जाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी ना? यस सर। ऐसा संभव नहीं, तो रिएक्शन क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चौथा केस बेटा, चौथा केस ये था कि अभी तक हम वहां पे दोनों बार यस पॉजिटिव लिए थे, यहाँ बेटा दोनों बार हम क्या कर देते हैं, डेल्टा एच को कर दे नेगेटिव और बेटा डेल्टा एस को क्या कर दे, नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, है नेगेटिव कर दिया बेटा, नहीं नेगेटिव किया तो पॉजिटिव करूंगा ना, देखो नहीं 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 नहीं, ये दोनों बार मुझे नेगेटिव नेगेटिव करना है, ये नेगेटिव, ये वायरी कर रहा हूँ बेटा, ये यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यह वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव। यह बेटा माइनस और ये वैल्यू मैं कैसे कर दिया, नेगेटिव। तो इधर बेटा ये रहेगा नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। डेल्टा जी को निगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये बताओ, ये जो बताओ वो रहेगा टी और डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट होगा उसको स्मॉलर होना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, गुड। मतलब हम ये कह दे कि अगर डेल्टा एच ये इसका मैग्नीट्यूड बेटा ज्यादा हो जाए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस, तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, तब रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। यस सर। सब लोग बताओ बेटा, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एच निगेटिव चाहिए, एच निगेटिव चाहिए बेटा, एच नहीं डेल्टा जी। गिफ्ट फ्री एनर्जी, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी नेगेटिव चाहिए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, हो गई। तो अब ये बताओ, एक बार हम रिवाइज कर लेते बेटा,
गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा? किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड वह एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल है, वही कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती बेटा? जी की वैल्यू होती बेटा जो हमारे पास एंथैल्पी है एच, उसमें से बेटा प्रोडक्ट किसका, टेम्परेचर और एंथैल्पी के प्रोडक्ट को डिडक्ट कर दो, मींस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इज इट क्लियर? यस सर। फिर से वीडियो में आपको दे दूंगा, एक बार फिर से देख लेना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमेशा के लिए बेटा, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। जब भी आप इस स्टडी करोगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हमेशा बेटा ये होनी चाहिए। ओके यस सर। कोई क्वेरी बेटा? नो सर। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, हम क्लास एंड करें? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।